खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ है, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब एसएमएस या व्हाट्सएप से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजे हर महीने का हिसाब एसएमएस या व्हाट्सएप से, खाता हुआ खाता बुक। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लनटॉप शो। शो की शुरुआत एक विचलित कर देने वाले वीडियो के साथ, और ये वीडियो दिल्ली का नहीं है क्योंकि देश सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है। ये वीडियो 26 फरवरी का है, तेलंगाना का है, संगारेड्डी इलाके का है। इस वीडियो में पुलिस की लात खा रहे शख्स का नाम है एस चंद्रशेखर। ये एक बेबस बाप का नाम है। एस चंद्रशेखर की 16 साल की बेटी संध्या रानी 24 फरवरी के रोज संध्या ने अपने स्कूल हॉस्टल में कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। लड़की के परिवार ने स्कूल मैनेजमेंट पर लापरवाही का इल्जाम लगाया और उसके बाद पुलिस की बर्बरता का यह वीडियो सामने आया। वीडियो पर पुलिस का भी पक्ष है। संगारेड्डी की पुलिस कप्तान यानी कि अधीक्षक चंदन दीप्ति, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लड़की के परिवार के साथ कुछ प्रदर्शनकारी थे, वो मॉर्चरी से शव को ले जाकर विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जाम लगाना चाह रहे थे। पुलिस के साथ उनकी रस्साकशी हुई, इसी क्रम में मॉर्चरी का शीशा भी टूटा और शायद तभी लात भी लग गई होगी। इसकी जांच हो रही है। हमारा ये कहना है कि पुलिस अपना काम करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, लेकिन एक परिवार जिसने अपनी बच्ची को गंवाया है, जिसको सुसाइड का नाम दिया जा रहा है, उसके प्रति संवेदनशीलता तो बढ़ती ही जा सकती है। शो में अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। अपन सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं लगातार तीसरा मैच जीतकर, एक मैच अभी बाकी है। ओपनिंग मैच में हमने डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम को पटकनी दी, फिर बारी बांग्लादेश की थी और आज न्यूजीलैंड को छकाया। मैच करीबी था, 3 रन से जीते हैं। हमने बनाए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 133 रन और न्यूजीलैंड की विमेन टीम 130 रन पर ही ढेर हो गई। शिखा पांडे, इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर और कमाल की मीडियम पेस बॉलर, उन्होंने आखिरी ओवर फेंका, शी केप्ट इट वेरी टाइट। अगर कमेंटेटर्स की लैंग्वेज में कहें, 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट लिया। पूनम यादव, कमाल की लेग स्पिनर, हाईएस्ट विकेट टेकर बनी हुई है, आज के मैच में उन्होंने भी 1 विकेट लिया। और शेफाली वर्मा, 16 साल की गजब की खिलाड़ी, धुआंधार खेल रही है, जिनके लिए स्मृति मंधाना ने कहा था कि इनके खेलने की वजह से मेरे ऊपर से प्रेशर खत्म हो गया है, उन्होंने आज भी खूब धुलाई की। आगे भी जो हाल होगा वर्ल्ड कप का हम बताते रहेंगे, और पता नहीं क्यों इस बार लग रहा है कि लड़कियां कप लेकर ही आएंगी। बढ़ते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ। दूसरी सुर्खी कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। जापान के योकोहामा बंदरगाह के पास एक जहाज खड़ा था जिसका नाम है डायमंड प्रिंसेस। इस पर लगभग 3700 यात्री सवार थे, इनमें से 138 भारतीय थे। वो लगातार मदद की गुहार कर रहे थे। 27 फरवरी को हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इनमें से 118 भारतीयों को और पड़ोसी देशों के कुछ नागरिकों को भी सकुशल वापस लाया गया है। 16 भारतीय नहीं लाए गए हैं क्योंकि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। 649 और 348 हमारे आपके लिए ये दो नंबर हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से ये खास नंबर हैं। 600 वाला नंबर कुल दर्ज केसों की संख्या है भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में, और 300 वाला नंबर उन केसों की संख्या है जिन्हें महाराष्ट्र सरकार ने खत्म कर दिया, वापस ले लिया। ये जानकारी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज सदन में दी। हम क्यों बता रहे हैं इतना स्पेसिफिकली आपको इन नंबर्स के बारे में, क्योंकि भीमा कोरेगांव और एल्गार परिषद, इनको लेकर महाविकास आघाड़ी, ये वो गठबंधन है जो इस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार चला रहा है, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की और केंद्र सरकार, इनके बीच लगातार सिर्फ टवल मची हुई है।
एल्गार परिषद के केस को एनआईए को देने को लेकर एनसीपी की तरफ से आपत्तियां आई थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी की जांच से हमें कोई एतराज नहीं है। चौथी सुर्खी राजस्थान से जुड़ी हुई है। यहाँ के बाड़मेर इलाके में पुलिस कस्टडी में एक दलित युवक की मौत हो गई। इस मामले में राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया और पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ लाइन हाजिर कर दिया। जाति क्यों नहीं जाती, सब कुछ तो अच्छा है ना, फिर ऐसा क्यों हो जाता है? बात दलित या सवर्ण की नहीं है, बात पुलिस की असंवेदनशीलता की है। थाने में कैसे कोई मर जाता है और कितनी मौतों की खबर बाहर तक आ पाती है। आखिरी सुर्खी स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा से जुड़ी है। इंडिगो ने उन पर फैंटम बनते हुए 6 महीने का प्रतिबंध लगाया था, जबकि मेरे देश की सरकार का नियम इस तरीके के अपराध में, यदि उसे अपराध माना जाए तो, अधिकतम 3 महीने की सजा का है। इंडिगो को सजा घटाकर 3 महीने की करनी पड़ी है, लेकिन मामला कोर्ट में चल रहा है, हो सकता है कि इस सजा में भी तब्दीली हो। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ, और बड़ी खबर तो एक ही है, दिल्ली का दंगा। बीते दिनों की तुलना में हिंसा की खबरें आज कम आई, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पुलिस की तरफ से 150 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। फ्लैग मार्च निकल रहे हैं, शांति की अपीलें, और हमेशा की तरह सियासत हो रही है। दिल्ली पुलिस ने बीते दिन बताया था कि हमने 106 लोगों को गिरफ्तार किया। फिर बताया गया कि ये सब स्थानीय लोग थे। इस पर ध्यान दीजिएगा, स्थानीय लोग, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई और बात कह रहे हैं। फिर बात आई कि 18 लोगों के खिलाफ FIR लिखी गई। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि वो CCTV की फुटेज जांच रहे हैं, उसके आधार पर जांच होगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, जिनको दंगों के दौरान ही अपॉइंट किया गया, SN श्रीवास्तव, वो हालात के सामान्य होने का दावा कर रहे हैं। एक दावा आया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, कहा कि सरकार के स्तर पर काम चल रहे थे। केजरीवाल ने अफसरों की मीटिंग ली, पुनर्वास पर फोकस करने जैसी बातें कहीं, और मीडिया के सामने क्या कहा, दंगा प्रभावितों के लिए घोषणाएं की, घायलों का मुफ्त इलाज, मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, मामूली रूप से घायलों को 20-20 हजार का मुआवजा, हिंसा में अनाथ हुए बच्चों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए। इसके अलावा जानवर की मौत पर 5,000, रिक्शा जलने पर 25, ई रिक्शा पर 50, पूरा घर जलने पर 5 लाख, किराएदार का घर जलने पर 1 लाख के मुआवजे की बात कही। केजरीवाल ने इस दौरान हिंसा प्रभावित इलाकों में SDM की नियुक्ति की बात भी कही और हर मोहल्ले में पीस कमेटी बनाने का ऐलान किया। केजरीवाल और क्या बोले, आप खुद सुनिए। हमने कई सारी मीटिंग्स की हैं और जो दंगे से प्रभावित लोग हैं, जो दंगे से पीड़ित लोग हैं, उन लोगों के राहत के लिए और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कई सारे कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। अब जो भी लोग अपना इलाज, राइट अफेक्टेड लोग जो हैं, जो अपना इलाज, उसमें हमने क्राइम अफेक्टेड लोग भी और राइट अफेक्टेड लोग भी दोनों के लिए जारी कर दिया है कि जो लोग भी अपना प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएंगे तो हॉस्पिटल को रिइम्बर्समेंट दिल्ली सरकार कर देगी, उनके इलाज का कोई खर्चा नहीं लगेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में अरविंद केजरीवाल ने दंगों पर सियासत न करने की बात कही, कहा कि अगर कोई आम आदमी पार्टी का निकल आए तो उसे दोगुनी सजा दी जाए। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। उस पर आप बयान क्या पूछ रहे हो लोगों से, आपका क्या कहना है जी, आपका क्या कहना है जी, आपका क्या कहना है जी, कहने से दंगे वालों को सजा मिलेगी क्या, इससे सजा मिलेगी? ऐसे ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा? उठा के जेल में डालो जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। केजरीवाल ने यह बात ऐसे समय में कही जब उनकी पार्टी के एक नेता पर दिल्ली की हिंसा में शामिल होने के इल्जाम लग रहे हैं। कौन है ये नेता? आम आदमी पार्टी से जुड़ा पार्षद, नाम ताहिर, मुस्तफाबाद विधानसभा में नेहरू विहार वार्ड के पार्षद। सोशल मीडिया पर बीजेपी IT सेल के मुखिया समेत कई लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें एक मरून स्वेटर में नजर आ रहे शख्स को ताहिर हुसैन बताया गया। दावा किया गया कि इन्हीं लोगों ने IB के अफसर अंकित शर्मा की हत्या की। अंकित के परिवार वालों की तरफ से भी कहा गया कि अंकित की हत्या निगम पार्षद के घर पर की गई होगी। फिलहाल वायरल वीडियो के बारे में कही गई बातें और वीडियो का संदर्भ राजनीतिक लोगों की तरफ से आया है। हम वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, वीडियो सर्कुलेशन में है। हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस अपनी जांच में इसकी सत्यता पता लगाएगी और मामले की तह तक जाएगी।
हम बार बार आपको कहते हैं कि कई सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं और हम वो सब आपको क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने एंगल हैं। रही ताहिर हुसैन की बात, तो उन पर तो सवाल उठे ही हैं, उनके हिस्से की सफाई भी सुन लीजिए। परसों हमारे यहाँ भी हुआ, जिसको देखते हुए हमने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। एक बहुत सारी भीड़ मेरे जो ऑफिस का गेट है उसे तोड़ के जबरदस्ती अंदर छत पे चढ़ गई थी, जिसके लिए लगातार मैंने पुलिस से मदद मांगी और कई घंटों के बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंची, सब काबू हुआ। और उस वक्त जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उनकी निगरानी में पूरे मकान की, पूरी बिल्डिंग की, पूरे ऑफिस की तलाशी ली गई, उसको अच्छे से चेक किया गया और उस पुलिस ने ही हमें, मेरे परिवार के साथ, हमें यहाँ से सुरक्षित बाहर भेज दिया गया था, हमसे कह दिया था। जी, वीडियो जिसमें ताहिर हुसैन सफाई दे रहे हैं कि जब हमला हो रहा था तब वो घर पर नहीं थे। मीडिया से भी कहा कि मैं दंगाई नहीं दंगा पीड़ित हूँ, घर मेरा है, लेकिन हमले के समय घर पर नहीं था, रात में घर से बाहर जा चुका था, घर पुलिस की सुरक्षा में था। अब पुलिस जाँच करेगी कि घर पुलिस की सुरक्षा में था तो बम कहाँ से आए, और घर पुलिस की सुरक्षा में नहीं था तो कहाँ से आए। कुल मिलाकर पुलिस केंद्र में है और ताहिर हुसैन और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इल्ज़ाम हैं। इससे पहले भाजपा के नेताओं पर इल्ज़ाम थे। सब नेता एक दूसरे पर टारगेट कर रहे हैं और असल टारगेट हमारी और आपकी दिल्ली है। सफाई ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा के परिवार वालों के आरोपों पर भी दी, उसे भी सुन लीजिए। अंकित शर्मा जिसकी डेड बॉडी मिली है, वो बहुत ही दुख का मैटर है, उसके परिवार बहुत सदमे में है और जितना दुख उनको है उससे कई गुना दुख शायद मुझे भी है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इल्ज़ाम मुझ पर लग रहा है। और आज तक मेरी ज़िंदगी में जो मैंने हमेशा अमन कमेटी के जरिए हो या किसी भी तरह से मैंने भाईचारा हिंदू मुस्लिम कायम करने का काम किया है, और सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं मुस्लिम आबादी छोड़ के हिंदू आबादी के बीच में जाकर रह रहा हूँ, इससे बड़ा मैं और सबूत नहीं सकता। और 24 तारीख को जिस वक्त बिल्डिंग मकान मैंने पुलिस के हवाले किया था, इस बात की खुद गवाही हमारे पुलिस के आला अधिकारी दे देंगे कि हाँ, मकान को तलाशी लेने के बाद में इनको वहां से हटा दिया गया था और वहां मौजूद थे। आप पूछ सकते हैं, यदि दिन भर टीवी ना देखा हो तो ये अचानक से ताहिर हुसैन पर इल्जाम क्यों लगने लगे? क्योंकि मीडिया जब उनके घर की छत पर पहुंचा तो पत्थरों का ढेर और इकट्ठा करके रखे गए पेट्रोल बम मिले, गुलेल भी, मशाल भी, घर की तीसरी मंजिल से कुछ थैलियां, दावा की तेजाब की थैलियां हो सकती हैं। सवाल उठ रहे हैं कि इतना सारा सामान छत पर कैसे आया, कौन लाया, किन लोगों ने वीडियो बनाए, वीडियो जिसमें नज़र आ रहा है पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। सफाई आई, सियासत भी आई। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आए और आम आदमी पार्टी को घेरा। मुझे आश्चर्य होता है, कभी कभी सिलेक्टिव चुप्पी होती है। आज सुबह से सारे टीवी चैनल दिखा रहे ताहिर, जो आम आदमी पार्टी का कॉर्पोरेटर है, जिन पर पहले भी हिंसा जो 20 दिसंबर को हुई उसका भी वो एफआईआर दर्ज है। उनके घर में पूरा असला मिला है, पूरे दंगे की तैयारी मिली है। उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुप है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से यह सफाई आई, जिस व्यक्ति ने दंगे कराए, दंगा फसाद कराए, चाहे वो जो भी हो, जिस भी धर्म का हो, जिस भी जात का हो, जिस भी विचारधारा का हो, और मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, जिस भी राजनीतिक दल से उसके रिश्ते हो, ताल्लुकात हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से रिश्ता रखता हो, बीजेपी से रिश्ता रखता हो, कांग्रेस से उसका कोई रिश्ता हो, जिस भी पार्टी का वो व्यक्ति है, उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। सियासत और भी मोर्चों पर चल रही है। कांग्रेस आज कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल लेकर राष्ट्रपति से मिलने गई, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम सौंपा और फिर बयान दिया। क्या बोली सोनिया? दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, गृह मंत्री हिंसा रोकने में नाकाम है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के राज्यसभा सांसद की तरफ से भी बीजेपी को झटका मिला। अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल, पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे, उन्होंने दिल्ली के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए और मीडिया से कहा, दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता वैसी ही है जैसी हमने 1984 में देखी थी। यही बात दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बीते दिन कही थी, 84 जैसे हालात हो जाने दें क्या। बात करेंगे जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर पर मचे बवाल की। 26 फरवरी को मौजपुर जाफराबाद की हिंसा पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान जजों ने भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर केस न दर्ज करने को लेकर सरकारी वकील को खूब लताड़ा था। कोर्टरूम में बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयानों का वीडियो भी चलवाया गया था। इस सुनवाई करने वाली बेंच के सीनियर जज थे जस्टिस एस मुरलीधर।
इस सुनवाई के बाद बुधवार रात को खबर आई कि एस मुरलीधर का तबादला हो गया। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भेजा गया। इस बाबत केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय का नोटिफिकेशन तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस नोटिफिकेशन में लिखा था कि संविधान के अनुच्छेद 122 के क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई की सलाह पर जस्टिस मुरलीधर का तबादला कर दिया। जस्टिस मुरलीधर वरिष्ठता के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में तीसरे नंबर पर थे। हाशिमपुरा नरसंहार सहित कई बड़े फैसले उन्होंने दिए हैं। आदेश आया और विपक्षी सरकार पर टूट पड़े। आरोप लगाया कि सरकार पर सवाल उठाने वाले जज को ही हटा दिया गया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, आधी रात को जज का तबादला हैरान करने वाला तो नहीं है, लेकिन दुखद और शर्मनाक है। फिर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुरजेवाला आए और सरकार पर न्यायपालिका को कमजोर करने का आरोप लगाया। अब ऐसा लगता है इस देश में न्याय करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एस मुरलीधर का रातों रात तबादला कर दिया गया। इसे बोलते हैं क्लासिकल हिट एंड रन इनजस्टिस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, जहां कहीं भी हैं वहां से ट्वीट किया, कहा कि जस्टिस लोया याद आ रहे हैं जिनका तबादला नहीं हुआ था। जस्टिस लोया सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे थे। उनकी असम में एक मौत हो गई थी, वजह बताई गई थी कार्डियक अरेस्ट। जज के ट्रांसफर को लेकर जब मामला बढ़ा तो बचाव में सरकार उतरी। कौन उतरे? केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। प्रसाद ने मीडिया के साथ वो दस्तावेज साझा किए जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 12 फरवरी 2020 को ही, यानी दिल्ली में दंगे शुरू होने से पहले ही, देश भर के 3 हाई कोर्ट्स के जजों का तबादला करने का फैसला लिया था। इस दस्तावेज में सबसे ऊपर जस्टिस एस मुरलीधर का नाम है। इसमें भी उन्हें दिल्ली से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश है। इसी दस्तावेज में मेघालय और उत्तराखंड हाईकोर्ट के भी एक एक जज को ट्रांसफर करने की सिफारिश है। देश के मंत्री ने, यानी कि रविशंकर प्रसाद ने, यह साफ कहा, जस्टिस मुरलीधर का तबादला नियमों के मुताबिक है, इसके लिए जज की सहमति ली गई थी। फिर कानून मंत्री ने कांग्रेस पर न्यायपालिका को कमजोर आंकने का आरोप मढ़ा। लोगों में राय बटी है कि इस मामले में सरकार सही है या सवाल उठाने वाले, पर यह तो सियासतदान है। इस सवाल का एक तकनीकी पक्ष है, वो आप समझ लीजिए ताकि आप अपनी राय कायम कर सकें। भारत के संविधान के मुताबिक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति करते हैं। हाईकोर्ट्स के जज के तबादले के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से राष्ट्रपति के पास सिफारिश जाती है। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस और कुछ सीनियर जज होते हैं। जस्टिस मुरलीधर का तबादला इसी प्रक्रिया के पालन के बाद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 फरवरी को जस्टिस मुरलीधर के तबादले की सिफारिश भेजी थी। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तब इस तबादले का विरोध किया था। 20 फरवरी को एसोसिएशन ने एक हड़ताल का ऐलान भी किया था, लेकिन तबादले की कार्रवाई चलती रही और अब इस पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई है 26 फरवरी को, यानी उस दिन जिस दिन जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली में हो रही हिंसा से निपटने में नाकाम रहने के लिए कटघरे में खड़ा किया था। जस्टिस मुरलीधर की बेंच ने ही कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा पर कार्रवाई करने को कहा था। भारत की शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति चुनी हुई सरकार की सलाह से काम करते हैं। उनके दफ्तर से जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर का आदेश 26 फरवरी को ही क्यों जारी हुआ? इसका जवाब केंद्र सरकार दे सकता है। वो कह सकते हैं रूटीन मैटर है, वो अपने आरोपों का जो भी जवाब दें और विपक्ष जो भी सवाल उठाए, पर कॉलेजियम की व्यवस्था को लेकर लगातार आलोचना होती ही रहती है। एक बात ये भी उठ सकती है कि बार एसोसिएशंस किस तरह के प्रेशर ग्रुप का काम करती है, क्योंकि हमने गुजरात हाईकोर्ट के मामले में भी इस तरह की नज़ीर देखी थी। अब बढ़ते हैं शो में बिहार की तरफ, जहां कुछ दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं। 26 फरवरी को बिहार एनडीए गठबंधन का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां विधानसभा से एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनआरसी फसाद की जड़ कईयों की नजर में, और मोदी जी के मुताबिक झूठ झूठ झूठ, क्योंकि प्रस्ताव तो अभी आया ही नहीं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने भी इस प्रस्ताव पर जेडीयू का साथ दिया। सवाल पूछा गया कि बीजेपी का रुख अचानक कैसे बदला, क्योंकि पार्टी एनपीआर को नीति निर्धारण के लिए जरूरी डेटा बता रही है, एनआरसी पर बात नहीं कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार एनपीआर पर भी कह रहे हैं कि ये 2010 के मानकों के ही अनुरूप हो, नए सवाल न जोड़े जाएं। फिर भाजपा विधायक एनपीआर पर कैसे राजी हो गए? क्या अब ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है कि 2010 की ही टेक रहेगी? सुशील कुमार मोदी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा ये तो भाजपा की जीत है, विरोधियों पर सवाल उठाए
लेकिन उनके ट्विटर वाले आत्मविश्वास के बीच सुगबुगाहटें भी चलती रहीं, क्योंकि पिछले दो दिनों में विधानसभा के अंदर और बाहर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पुराने चचा भतीजे उनकी मुलाकातों पर कयास लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी उपचुनाव में बुरे प्रदर्शन से डर गई, बैकफुट पर है, पड़ोसी राज्य में हार से डर गई, या बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है इसीलिए कभी अमित शाह कभी नड्डा नीतीश को फेस बता रहे हैं। बात यह भी उठी कि तेजस्वी को अचानक अपने पुराने चचा पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। हालांकि सार्वजनिक रूप से वो ये कह रहे हैं कि ये रस्मि मुलाकातें हैं, लोकतंत्र के लिए ज़रूरी हैं। एक और ज़रूरी खबर बिहार से ही आई, जाति आधारित जनगणना पर। ये डिबेट पुरानी है, नया क्या है? बिहार की विधानसभा ने 27 फरवरी यानी आज के दिन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर मांग की कि इस बार जाति आधारित जनगणना हो। विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव का विपक्षी पार्टियों आरजेडी और कांग्रेस ने समर्थन किया। जाति आधारित जनगणना की मांग करने वालों की दलील क्या है? इससे पिछड़े और अति पिछड़े लोगों की सही जानकारी, सही आंकड़ा मिलेगा और इन्हीं सटीक आंकड़ों के आधार पर विकास की योजनाएं भी बन सकेंगी। पर क्या जाति आधारित जनगणना हो पाएगी? आसार कम लगते हैं। जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है, हर 10 साल में ये होती है। 2011 की जनगणना से पहले लालू, मुलायम, शरद यादव सरीखे नेताओं ने जाति के आधार पर इसे कराने को लेकर खूब मांग की थी। तब केंद्र में यूपीए की मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी, बीजेपी विपक्ष में थी। बीजेपी ने भी कहा कि करवा लो जनगणना, लेकिन अब बीजेपी की सोच बदली हुई लग रही है। 2 बरस पहले जनगणना को लेकर उस समय यानी मोदी सरकार 1.0 में गृह मंत्री राजनाथ सिंह उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इसके बाद कहा गया था कि जनगणना में ओबीसी वर्ग में शामिल लोगों की भी गिनती होगी, लेकिन ओबीसी में हर जाति के लोगों की गिनती अलग अलग नहीं होगी। इस पर कोई मुकम्मल फैसला नहीं आया है, बयान आया है। जाति के आधार पर जनगणना का इतिहास भी जान लीजिए, क्योंकि ये जनगणना 1931 में अंग्रेजों ने आखिरी दफा करवाई थी। इस जनगणना में अलग अलग जातियों के लोगों का हेड काउंट किया गया था। इसके हिसाब से ओबीसी की तादाद 52% बताई गई। 1931 के बाद 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई। आप कहेंगे भैया लल्लनटॉप, ये 31 वाले से कैसे अलग है? कहा तो इसे भी जाति आधारित गया, लेकिन इस जनगणना में जो इकट्ठे किए गए जाति के आंकड़े उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। 2011 और 1931 की जाति जनगणना में कुछ और फर्क थे। 1931 की जनगणना में किसी जाति को पिछड़ा मानने के लिए पूरी रियासत या राज्य में उस जाति की स्थिति को आधार बनाया गया था। 2011 वाली जनगणना में जिलेवार जातियों का पिछड़ापन देखा गया था। इस लिहाज से कोई एक जाति एक जिले में पिछड़ी और किसी दूसरे जिले में अगड़ी भी हो सकती है। राज्यों में तो ये फर्क है ही। अगड़े और पिछड़े का फर्क भारत में बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है। 2020 के आखिरी में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। पिछले चुनाव के पहले आरक्षण पर खूब बात हुई थी। मोहन भागवत के बयान को नीतीश और लालू ने खूब उछाला था। टीवी पर प्रधानमंत्री की लिट्टी चोखा खाते हुए तस्वीरें और वीडियो चली रहे हैं। लालू अपना बयान दे रहे हैं, तेजस्वी अपनी यात्रा पर हैं और बिहार में कास्ट का फैक्टर कितना मजबूत है सब जानते हैं। इसलिए अब कास्ट के आधार पर सेंसस को लेकर भी पार्टियां अपना अपना स्टैंड सावधानी से तय कर रही हैं। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जल्द मुलाकात होगी। शुभरात्रि।